नमस्ते साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। पिछला कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत पसंद किया, यक्ष प्रश्न। आर्य बाल प्रतिभा के माध्यम से आयोजित इस विशेष एपिसोड में हमारे सवालों का सामना कर रही थी अक्षिमा। अक्षिमा दोबारा से हमारे बीच में उपस्थित हुई। अक्षिमा, आपका दोबारा से एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें, जिन लोगों ने पहले का कार्यक्रम नहीं देखा है, पहला एपिसोड नहीं देखा है, उनके लिए मैं चाहूँगा एक बार अक्षिमा से वो अपना परिचय दे दें। नमस्ते, मैं अक्षिमा रोहतक से हूँ। मेरे दादाजी का नाम मास्टर नफ़ीर सिंह और मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर परविंदर और मेरी माताजी का नाम सुमन रानी। अक्षिमा, आपने पिछले एपिसोड में लगभग 25 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दिया था। क्या अब की बार मान सकते हैं कि इस एपिसोड में, आज के एपिसोड में भी आप ठीक से जवाब देंगे? पूरे तैयार हैं प्रश्न? हाँ जी। आप सभी जानते हैं महाभारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यक्ष और युधिष्ठिर संवाद का है। जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया, किस प्रकार से यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है और उस समय किस प्रकार की मान्यताएं समाज में थी, वो सारे उन प्रश्नों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। यक्ष जो प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर उनका किस प्रकार से जवाब देते हैं, वही सवालों का सिलसिला मैं अक्षिमा के सामने शुरू करने जा रहा हूँ। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुर्भाग्य का कारण क्या है, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? मद व अहंकार। मद व अहंकार, ठीक है, मद व अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग व सबके प्रति प्रेम भाव। सारे दुखों का नाश कौन करता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु के बाद यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। गुप्त रूप से किया गया अपराध है पाप, ठीक है। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। दिन रात इसी बात का विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हम समाज में देख रहे हैं वो क्षण भंगुर हैं, किसी समय भी वो समाप्त हो सकते हैं, वो स्थायी नहीं है। इस बात का यदि विचार करके चलते हैं तो हम समाज में सजग और सावधान होकर के चलेंगे। इससे पहले कि मैं अक्षिमा से अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, अक्षिमा से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अच्छे इंसान बनना चाहती हूं और अच्छे इंसान बनूंगी तभी मैं अच्छी आईएएस बनूंगी। अच्छे आईएएस बनोगे? हाँ। वैसे अक्षिमा ने बहुत अच्छा संकेत किया है कि आईएएस तो कोई भी हो सकते हैं, और आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं समाज में, पिछले दिनों मध्य प्रदेश की वो घटना कि एक वहाँ के आईएएस के पास 400 करोड़ रुपए मिले जो उसने रिश्वत के माध्यम से इकट्ठे किए हुए थे। यदि वो एक अच्छे इंसान भी होते तो वो एक अच्छे आईएएस हो सकते थे। और कहीं ना कहीं शायद अक्षिमा यही कहना चाहती है, एक संकेत उनका ये है कि आपकी तरफ एक इशारा कर रहे हैं कि हमें समाज में कुछ भी बनना है, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छा पुलिस अधिकारी बन सकता है, अच्छा डीएम बन सकता है, अच्छा एसडीएम बन सकता है, और समाज में रहने लायक कोई व्यक्ति यदि वो है तो अच्छा इंसान है तो ही वो समाज में चल सकता है, वही आदर्श रूप में देखा और समझा जा सकता है। तो बहुत छोटी सी बात में बड़ा सा संकेत किया है अक्षिमा ने। अक्षिमा, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ लूँ। संसार को कौन कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा हो। भय से मुक्ति कैसे संभव? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे हो वह मुक्त है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता वह दुखों से मुक्त है। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम रूप धारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ईश्वर ही परम सत्य है। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा की आज्ञा से सूर्य उदय होता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। स्थायित्व तो किसे कहते हैं? अपने धर्म पर स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अडिग रहना, बिल्कुल, अपने धर्म के ऊपर अडिग रहना ही स्थायित्व तो कहलाता है। स्नान किसे कहते हैं? अपने मन की मलिनता का त्याग रखना ही स्नान है। परंतु आजकल जो देखते हैं फिर एंड लव, क्या लिरिल की और पता नहीं किस किस की ऐड आती है कि साबुन मल मल के नाव, उस नहाने में और इस नहाने में अंतर दिखता है ना? वो तो सिर्फ शरीर के शोधन का नाम स्नान कहते हैं, लेकिन स्नान कह के मन की मलिनता को यदि साफ करते हैं तो ही वो स्नान कहलाता, जैसा कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था और युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया था। अक्षिमा आपसे अगला प्रश्न कर रहे हैं,
कौन सा शास्त्र है जिसके संपर्क में आने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसको पाकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। मनुष्य महान लोगों की संगति पाकर ही बुद्धिमान बनता है। आज का अंतिम प्रश्न, जो अक्सर बहुत ज़्यादा समाज में चलता भी है और यक्ष युधिष्ठिर के संवाद से सबसे ज़्यादा लिया जाता है, वो प्रश्न है, पृथ्वी से भी भारी क्या है? माता। इस प्रश्न के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। इस संकेत किया है अक्षिमा ने युधिष्ठिर के माध्यम से कि पृथ्वी से भी भारी कोई है, पृथ्वी से भी कोई बड़ी है, तो वो माँ है। और क्योंकि माता निर्माता बहुत ही कहा गया है, माँ निर्माण करने वाली होती है, और यदि आज समाज में इस माँ के प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण के बदलने से समाज भी बदलेगा। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। अक्षिमा जिस तरह से सवालों के जवाब दे रही थी, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताएं, और अपने बच्चों को भी इस तरह के कार्यक्रमों की, इस तरह के प्रश्नों की, चाहे वैदिक प्रश्नोत्तरी हो, चाहे यक्ष प्रश्न हो, चाहे इसके अलावा भजन संध्या या कोई मंत्र, उनको याद करवाएं और हमारे पास वो वीडियो 2 से 5 मिनट तक की वीडियो बना करके भेजें। यदि आप घर में तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर 9358404454 पर फ़ोन करके समय लें और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आप आएँ। अक्षिमा आज कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी अक्षिमा, आप देख रहे थे आर्य बाल प्रतिभा, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि साधु किसे कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था? जो सबका भला चाहता हो वह साधु कहलाता है। तो वेदों की रचना 1,96,08,53,118 वर्ष पूर्ण हुई थी। आर्य बाल प्रतिभाएं हैं और आप समझते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या उनको कोई गीत, उनको कोई भजन या गीता के श्लोक याद हैं, संध्या और हवन के मंत्र याद हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो में लेकर के आएँ, तो हमारे से संपर्क करके टेलीफोन के द्वारा समय लें और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ आएँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया फॉर्मेट व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों तक वैदिक संस्कृति के इस प्रयास को पहुँचाएँ। धन्यवाद। नमस्ते।